रेट जो लिया है उसमें स्टूडेंट का नुकसान ना हो, उसको देखते हुए कि हम यूनिट को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये हाल फिलहाल सारी आपके पास काम आएगी, चाहे आप आगे के लिए बात करते हो, चाहे अभी के लिए बात करते हो, या इन फ्यूचर के लिए भी ये चीज़ें मेरे पास आपको इस तरह से पढ़ाया जा रहा है जिसके अंदर IIT से लेकर आपके पास AIPMT CBSE को मद्देनजर रखते हुए कि भाई ये चीज़ें मेरे पास इस तरह से यूज़ होनी है या CBSE में इस तरह से आना है, उसको देखते हुए मैं इस यूनिट को तैयार कर रहा हूँ। और आप भी देखेंगे कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो यूनिट है आपके पास प्लस टू जो हम लोग पढ़ते हैं उसके अंदर आपके पास सॉल्यूशन के बाद, जैसा CBSE ने क्या रखा है कि सॉलिड स्टेट को तो इन्होंने हटा रखा है, और सॉल्यूशन के बाद आपके पास जस्ट नई यूनिट जो स्टार्ट होती है वो आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगी। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और फिर उसके बाद आगे इसको स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से इसको स्टार्ट करना है, कहाँ से देखना है। तो आज का आपके पास सिर्फ ये होगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक यूनिट है आपके पास किसकी, केमिस्ट्री की। CBSE के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो ये करीब करीब मेरे पास 5 नंबर की आपके पास आती है। और अगर हम बात करें AIPMT की या बात करें IIT की या बात करें JEE मेंस की, तो वहाँ पर लगभग इनसे एक क्वेश्चन हर साल उठता ही उठता है। CBSE आपके पास 3 और 2 के रेशियो में इसको हमेशा उठाती है कि 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल, 2 नंबर का आपके पास कुछ भी एक न्यूमेरिकल दे, चाहे आपके पास सीक्वेंस से क्वेश्चन दे, कोई भी यूज़ कर सकती है। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की आप बात करोगे तो हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। एक्चुअल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है कि जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके पास ब्रांच है किसकी, फिजिकल केमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ब्रांच है किसकी, फिजिकल केमिस्ट्री की। अगर मैं इनके डेफिनेशन की बात करूँ तो आप सीधा कह सकते हो सर ब्रांच है साइंस की, जहाँ डील करोगे स्टडी करोगे किसके बारे में, कि हम लोग बात करेंगे केमिकल चेंजेस के बारे में, कि केमिकल चेंज आपके पास वो डिपेंड करता है कि भाई केमिकल चेंज किस तरह से हो रहा है, भाई केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हम लोग जनरली यहाँ पर जो इस डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं सेल के बारे में। सेल कौन से, आपके पास 2 तरह के सेल मिलेंगे, एक तो जनरली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक हमारे पास यहाँ वर्ड होगा आपके पास कंडक्टेंस, कि कंडक्टेंस आपके पास क्या होता है। तो ये जनरली आपके पास 3 टॉपिक है जो हमारा मेन सिलेबस होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जो आपके पास लगभग हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम लोग सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर कहीं जाके आप लोग कंडक्टेंस के बारे में पढ़ोगे कि कंडक्टेंस आपके पास क्या होता है। तो इसके अंदर अगर आप बात करते हो तो सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तो हम लोग एक वर्ड यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? और इलेक्ट्रोलाइसिस आपके पास पार्ट होगा किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। तो पहली बात आती है इलेक्ट्रोलाइसिस, इन्होंने जैसे लिख रखा है बाय प्रोडक्शन ऑफ केमिकल चेंजेस, किसके लिए, कहता है बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर हम कह सकते हैं सर जनरेशन है किसका, कहता है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी बाय द स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। यानी आप लोग जो इलेक्ट्रोलाइसिस की बात कर रहे हो तो वो है क्या कि भाई आपके पास एक प्रोसेस है, जैसे मान लीजिए मेरे पास वाटर है, मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा हूँ और ये मुझे क्या दे रहा है, आयंस दे रहा है। किस पे भाई, कोई भी आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करेंगे जहाँ पर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वहाँ आयन डिसोसिएट होंगे। अब वो आयन किस तरह से डिसोसिएट होंगे, कहाँ पर जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, ये हमारी स्टडी का आपके पास एक जर्नली टॉपिक होगा कि भाई ये एटे कैथोड या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो यहाँ का आपके पास मेन टॉपिक हो जाएगा। कि जनरली आप लोग इलेक्ट्रोलाइसिस डिफाइन करते हो तो प्रोडक्शन किसका है, केमिकल चेंज का। अब केमिकल चेंज कैसे है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसे सेल की बात करेंगे ये हम लोग बनाएंगे। ये आपके पास क्या होगा, हम लोग लैब में भी बनाते हैं, प्रैक्टिकली हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे, फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। तो आपने सुना होगा हम लोग यहाँ बात करेंगे किसके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के, जिनके 2 पार्ट हम लोग डिवाइड करेंगे, गैल्वेनिक सेल, फिर गैल्वेनिक सेल का फर्दर होगा केमिकल सेल और कंसंट्रेशन सेल, उससे पहले आप बात करोगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्या, यहाँ जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करोगे तो आप लोग केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हो, कोई भी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसके अंदर, तो आप कहोगे सर आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। बस समझ में, केमिकल एनर्जी चेंज होगी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, किसके थ्रू, कहते हैं बाय द रेडॉक्स रिएक्शन। इस रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू, इस रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू आप किसी भी केमिकल एनर्जी को किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अगर चेंज करते हैं तो इस प्रोसेस यानी इस रिएक्शन का यहां पर सीधा सीधा इस्तेमाल होता है
और इन रिएक्शंस को हम लोग कहाँ पढ़ के आए थे, आप पीछे पढ़ के आए थे, आपके पास एक प्लस वन के अंदर यूनिट आई थी जिसका नाम था क्या, रेडॉक्स यूनिट थी जो हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से। अब ये रेडॉक्स क्या है, ये आपके पास टोटली बेस है किसका, प्लस वन का। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अगर हम स्टडी करते हैं बाय रेडॉक्स रिएक्शन, तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको पहले रेडॉक्स रिएक्शन आनी चाहिए जो किसका पार्ट है, प्लस वन का पार्ट है। अब अगर मैं डिस्कस करूँ सर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें चेंज कर दे, केमिकल एनर्जी में। अब केमिकल एनर्जी में अगर चेंज कर देगी किसके थ्रू, बाय रेडॉक्स रिएक्शन, वो क्या कहलाएगी आपके पास, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखो हमारा जो मुद्दा है यहाँ पे जो दो ही है कि एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं, बताने में तो अच्छा लग रहा है क्योंकि केमिकल एनर्जी चेंज टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल चेंज टू केमिकल, बट इस चीज़ को अगर प्रैक्टिकली आप देखोगे तो इनको प्रैक्टिकली हम कहाँ देखेंगे। भाई मैंने तो आपसे कह दिया कि केमिकल चेंज टू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल चेंज टू केमिकल, बट मेरे को क्या पता भाई इलेक्ट्रिकल किस तरह से चेंज हो रहा है, केमिकल किस तरह से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है कि आप लोग ना डेली लाइफ से बहुत सारी चीज़ें देखते हो कि डेली लाइफ में आपको पता है कि भाई हमारे पास जितनी भी हम लोग बैटरी देखते हैं, आप लोग इन्वर्टर बैटरी दे लीजिए, आपके पास मोबाइल फ़ोन होता है उसकी बैटरी देख लीजिए, आपके पास कोई भी XYZ जिसमें हमारे पास टॉर्च की बैटरी होती है, तो वो डायरेक्ट आपके पास क्या कर रही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिफाइन कर रही है। वो क्या कर रही है, केमिकल एनर्जी को चेंज कर रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बाय द रेडॉक्स रिएक्शन। अब केमिकल एनर्जी कौन सी होगी, तो मेरे पास आपने घर में इन्वर्टर इन्वर्टर बैटरी देखी होगी, तो इन्वर्टर बैटरी में आपके पास क्या है, एक आपके पास आपका हमें क्या पता है वो 12 वोल्ट की है, 16 वोल्ट की है, 8 वोल्ट की है, 2 वोल्ट की है, तो वो हम लोग लैब में प्रिपेयर करते हैं, हम लोग बनाते हैं जर्नली उन चीज़ों को, तो वहाँ पर आपके पास क्या होगा, वही केमिकल एनर्जी चेंज हो रही होगी इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आप एग्जाम्पल अगर किसी को देना चाहते हो किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, तो डेली लाइफ से आप कोई भी आपके पास बैटरी हो गया, इन्वर्टर बैटरी हो गए, तो जिस भी आप सेल के जो रिचार्जेबल बैटरी है उसका आप एग्जाम्पल दे सकते हो, रिचार्जेबल नॉन रिचार्जेबल, वो सारी आपके पास क्या होगी, एक केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिफाइन करेगी। अगर आप आगे आते हो कि चलिए सर अगर मेरे को ये बताना हो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, भाई इसका कोई एग्जाम्पल दीजिए कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का अगर डेली लाइफ से कोई एग्जाम्पल उठाते हैं तो आपके पास मोबाइल होगा, हम लोग मोबाइल तो यूज़ करते हैं, आजकल हर घर में मोबाइल मिल जाएगा, सब मोबाइल यूज़ करते हैं, और मोबाइल में अगर जनरली आप देखोगे ना तो मोबाइल में लिथियम आयन बैटरी प्रेजेंट होती है। उस लिथियम आयन बैटरी में क्या होगा, आपको पता है कि जब हम लोग बैटरी जनरली यूज़ करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि बैटरी ख़त्म हो जाती है। अब उस बैटरी को चार्ज करने के लिए आप लोग किसका इस्तेमाल करते हो, इलेक्ट्रिसिटी का, और वो इलेक्ट्रिसिटी किस में चेंज होती है, उस एनर्जी में, यानी उस बैटरी के अंदर जाके आपके पास किस में चेंज करती है, उसको केमिकल रिएक्शंस के अंदर बदलती है, जो किस फॉर्म में स्टोर हो जाती है, एक केमिकल आपके पास रिएक्शंस की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, जिनका फर्दर जब आप उसको वहाँ से हटाते हो तो फर्दर आप उसका इस्तेमाल करते हो किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो उसको ऑपरेट करने के काम आता है। तो जनरल में उसमें दोनों सिस्टम आ जाता है कि जब आप मोबाइल को रिचार्ज कर रहे हो तो उसके अंदर वर्क हो रहा है किसका, आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी वो जो आपके पास वर्क कर रहा है वो किसकी तरह करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। और जब आप उसको क्या कर रहे हो, जब आप उसको यूज़ कर रहे हो तो वहाँ केमिकल एनर्जी चेंज हो रही है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आप वो दोनों बता सकते हो कि ये किसे एक दूसरे से वाइस वर्सा है, या क्या चीज़ हम डिफाइन कर सकते हैं उससे साथ, ये क्लियर है सबको। तो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो कि सर मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है और आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, तो ये एक सीधा सीधा पार्ट है किसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब भी आप पढ़ोगे तो सबसे पहले जब आप इंट्रोडक्शन देते हो तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले वर्ड यूज होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस तो जनरली है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, अगर उसके आयन डिसोसिएट होते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो वहां पर सीधा सीधा लिखा गया प्रोडक्शन है केमिकल चेंज का किसके थ्रू, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी है, तो वो आपके पास बहुत सारी हमारे पास, हम लोग बात करेंगे आगे इसके बारे में। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस इन द सेंस लगातार, यानी आपके पास आप उसको स्टोर नहीं कर रहे, आप सिर्फ चेंज कर रहे हो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पर जो आप पढ़ने वाले हैं, तो हमने जब ये डिफाइन किया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो मैंने एक छोटी सी बात लिखी यहाँ पे कि सर ये रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो रेडॉक्स के लिए सबसे पहले अगर बात करें तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या चीज़ आनी है, सर ये रेडॉक्स रिएक्शन सबसे पहले डिफाइन कीजिए, क्योंकि ये मैं उन बच्चों के लिए डिफाइन कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं कि सर हम तो प्लस वन में पढ़े ही नहीं, हमने तो ये देखा ही नहीं। अब मान लीजिए आप प्लस टू में आ गए, अगर हम ये एक्सपेक्ट करें
कि आपको रेडॉक्स रिएक्शन आती है, तो कहीं गलत भी नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलेंगे भी कि हाँ सर ये हमें आती है, बहुत सारे ऐसे बोलेंगे, हम बोल भी देते हैं कि हम एक्सपेक्टेड है कि रेडॉक्स रिएक्शन तो आपको आता ही होगा, ये चीज़ डिफाइन की जाती है। किसी से पूछ लेते हैं सर ये रेडॉक्स रिएक्शन है क्या, तो हमने कह दिया भाई आपके पास कौन सी। तो रेडॉक्स जनरली आपके पास दो पार्ट में डिफाइन हो रखा है, एक तो ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। पहली बात आपके पास ये क्या आ जाता है, सर ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है क्या, तो आप लोगों ने 9th 10th 11th 12th सब में देखा हुआ है, तीन डेफिनेशन डिफाइन की जाती है, सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर आपके पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये डिफाइन की जाती है। जबकि अगर इसी को मैं किस में डिफाइन करूं, तो आप कहो सर आप डिफाइन करो किसके साथ, ऑक्सीडेशन, तो आप कहते हो सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपके पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और क्या देते हैं आपके पास यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी आपके पास रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, राइट। इन तीन चीजों को लेकर चलते हैं जो हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं आपके पास 9, 10, 6, 7 से, कि ऑक्सीडेशन क्या है, एक पुरानी प्रथा चली आ रही है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, उस रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को आप लोग इस तरह से डिफाइन करते हो। बट जनरली आपने देखा हो बहुत सारे टीचर हैं, बच्चे हैं, जैसे मैंने एक रिएक्शन लिख दी छोटी सी, तो बहुत सारे टीचर हैं, बच्चे हैं, आप इसको क्या बोलते हो कि कार्बन इज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट्स फॉर्म CO2। ये एक नॉनसेंस वर्डिंग है कि आप यहाँ पर ये बात नहीं बोल सकते कि कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे तो हमारे सराउंडिंग सारी चीज़ों में कार्बन कंटेन करता है, ये तो सारी चीज़ें बड़ी बड़ी आपके पास क्या देगी, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी, आप में, मुझ में, इन में, सब में कार्बन है तो ऐसा नहीं है, ये ऐसा है कि कार्बन को जब हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वो क्या प्रोड्यूस किया जाता है, तो आप कहोगे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें भी एक वर्ड रखा गया कि सर एक्सेस है या लिमिटेड है, अगर इसको लिमिटेड कहोगे तो यहाँ पर मिलेगा मोनोऑक्साइड, राइट, और अगर ये एक्सेस होगा तो यहाँ क्या मिलेगा डाइऑक्साइड, दोनों हो क्या रहे हैं ऑक्सीडेशन ही, सिंपल है, बस समझ में आ गई। अगर मैं इसको ऐसे कहता हूँ सर आपके पास रिडक्शन की बात करो, तो मुझे पता है हाइड्रोजन आयोडीन के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है 2 moles of HI। यहाँ अगर देखोगे तो आपके पास कह दोगे सर आपके पास ये तो क्या है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है तो ऑब्वियस सी बात है रिडक्शन होगा। अब मुझे क्या पता ये रेडॉक्स है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, इस पे चार्ज कितना है 0, इस पे 0, इस पे +1, इस पे -1, यहाँ देखते हैं तो इस पे 0, 0, इस पे +4, इस पे -2, यहाँ से देखिए आप इस H से इस H पे जाइए तो कितने इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए होंगे, सर एक लॉस इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे भाई, अगर बैलेंस करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे। यहाँ से यहाँ आइए इसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस गेन किए होंगे, तो आप कहोगे सर 1 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे तो वही 2 हो जाएंगे। तो आपके पास पता है कि अगर इसने गेन किया तो क्या कहलाएगा रिडक्शन, और लॉस किया तो क्या कहलाएगा ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन आपके पास क्या कहलाएगी कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन। जनरली आप किसी को भी मुंह उठा के नहीं बोल सकते कि ये रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है या आपके पास रेडॉक्स रिएक्शन है। उसके लिए क्राइटेरिया है कि सर उन दोनों एलिमेंट्री स्टेट के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एज वेल एज पॉसिबल किस तरह कहते हैं रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट या प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, तब आप बता सकते हो कि सर ये रेडॉक्स रिएक्शन है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अगर बात करते हैं जब ये रेडॉक्स की बात आती है तो +1 के अंदर एक यूनिट आती है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वहाँ पर जब हम लोग स्टोइकोमेट्री के बारे में बात करते हैं तो ये बात हम पहले बता चुके होते हैं। पर फिर भी क्या है कि अब मेरे पास ये रेडॉक्स कहाँ कहाँ आना है भाई, चार्ज की अगर बात करेंगे तो चार्ज मेरे पास पी ब्लॉक के अंदर यूज होगा, DNF के अंदर यूज होगा, क्लियर है, आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज हो रहा है, तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ हम लोग बात करें तो CBSE PMT के लिए IIT के लिए सब जगह यूज होती है। तो जस्ट हमारा एक रिविजन हो जाता है कि सर हमने कहाँ पढ़ाया रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। अब आगे अगर मैं बात करूं तो आपको एक ऐसे एग्जांपल का नाम बताना है जो रेडॉक्स रिएक्शन ना हो, जो रेडॉक्स रिएक्शन ना हो। तो फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको डिकम्पोज कीजिए तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में क्या देगा CO2, इस पे चार्ज देखिए +2, इस पे -2, इस पे +4, इस पे +2 -2 +4 -2, आप एलिमेंट देखिए भाई यहाँ मेरे पास क्या है कैल्शियम है, तो कैल्शियम पे चार्ज देखिए कितना है +2 है, इस कैल्शियम पे देखिए +2 है, इस ऑक्सीजन पे देखिए -2 है, इस पे देखिए, दोनों पे -2 चार्ज आ रहा है, यहाँ आइए +4,
यहाँ आइए प्लस फोर, क्लियर है। तो यहाँ देखिए आप किसी भी एलिमेंट में कोई भी चेंज नहीं आया, ना तो उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए ना उसने गेन किए, तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकती। बस समझ में आते हैं, क्योंकि हम लोग जनरली क्या बताते हैं, जहाँ दोनों का चेंजेस हो, यानी लॉस भी कर रहा हो और गेन भी कर रहा हो, तो आपको कुछ ऐसी रिएक्शन याद रखनी है जो रेडॉक्स नहीं होती। होती है, पर जनरली आप जिस तरह से बता रहे हो उस तरह से वो रेडॉक्स फॉलो नहीं करती। बस समझ में आ गए, तो आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। अब बात आती है सर, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पूछेंगे सर हमें तो नहीं पता आपने ये चार्ज कैसे लिख दिया, हाउ टू कैलकुलेट दिस, हमें तो पता नहीं है। तो इस बात के लिए हम लोग थोड़ा सा पुराने चैप्टर में जाएंगे जिसको आप लोग रेडॉक्स बोलते हो, ताकि अभी भी हम सॉल्यूशन पढ़ के आए ताज़ा ताज़ा, और आपने एन फैक्टर निकाला था और एन फैक्टर में भी आपने बोला था सर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट वहाँ एक पर्टिकुलर रिएक्शन थी जिसको आप ब्रेक करके बता रहे थे सर ये इतने लॉस करेगा इतने, जिसमें आई फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मैम ये देख लेते हैं कि सर किसका ऑक्सीडेशन या किसका आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, कि सर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, कि सर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो तो हम लोग किस तरह से उसको देखेंगे। तो पहली बात आती है आपको जिस भी एलिमेंट का निकालना है, लाइक मेरे पास CO2 है इसका निकालना है, जिसका निकालना है उसको x मान लीजिए, इस पर चार्ज कितना होता है माइनस टू, तो x कितना रखोगे माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो x कितना आ गया प्लस फोर, राइट। बस समझ में आती है, सिंपल सा है, कोई इसमें ज़्यादा महाभारत नहीं है, आप इजीली इसको देख भी सकते हो कर भी सकते हो। बट मैंने कह दिया स्ट्रेस ऑफ फोर है, आप कहोगे इसको x रख लो इसको माइनस टू इसको प्लस वन, तो टू प्लस एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, तो x कितना आ गया आपके पास प्लस सिक्स, राइट, कोई दिक्कत। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, मान लीजिए मैंने kmn of 4 ले लिया, मैंने कहा इसको निकालना है, तो आपने इसको x इसको प्लस वन, तो 1 प्लस एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, तो x कितना आ गया आपके पास प्लस सेवन, राइट। ये सारी बातें हम कहाँ पढ़ के आए, ये सारी बातें हमने पढ़ी रेडॉक्स में। यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें जब तक नहीं पता लगेगा कि भाई इस रिएक्शन के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक, तब तक आगे जाके जब मैं एक इक्वेशन पढ़ूंगा यहाँ नर्नेस्ट इक्वेशन, जिसका फॉर्मूला आपके पास होगा ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आपके पास 0.0591 अपॉन में एन लॉग मेटल अपॉन में मेटल आयन। अब इस फॉर्मूले में कुछ नहीं है, ये गिवन होगा नहीं होगा हम निकाल लेंगे, ये आपके पास कंसंट्रेशन होगी मेटल की, आपके पास प्योर स्टेट में होगा तो इसको हम बता देंगे इजिली, ये आपके पास होगा n, तो n यहाँ पर क्या होगा भाई, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ लॉस हुए हैं, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये मुद्दा नहीं है, अगर आपका यही गलत हो गया तो हमारे मेहनत सारी पानी फिर जाएगा, हमारे को तो कोई मार्क्स देगा नहीं इस चीज़ के लिए। तो इन चीज़ों को पता करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस रिएक्शंस को निकालने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहिए। तो अब इसमें भी क्या है सर, ये ऑक्सीजन है, आप कभी यहाँ इतना रखोगे कभी इतना रखोगे, तो जनरली क्या होता है जैसे किसी ने पूछ लिया पोटाशियम सुपर ऑक्साइड, हालांकि कोई ऐसे पूछेगा नहीं, इसको कभी कोई नहीं बोलता कि हम पोटाशियम सुपर ऑक्साइड बोलेंगे, ये जब क्वेश्चन आता है ये तो सिर्फ ऐसे ही आता है KO2 में पोटाशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, अगर वो सुपर ऑक्साइड बोलेगा तो बच्चा ऑटोमेटिक कंसिडर कर जाएगा इस पर माइनस वन या माइनस हाफ चार्ज कह रहा है, क्लियर है। अगर मुझे नहीं पता कि सर ये सुपर ऑक्साइड है तो मैं कैसे करूँ, तो इसके लिए हमने ट्रिक लेके चलते हैं कि आपको ये तो पता है पोटाशियम का एटोमिक नंबर 19 होता है, 19 का मतलब 2881, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक, ऑब्वियसली बात है एक ही लूज करेगा, इसमें ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं पता तो, यानी मुझे इसके बारे में नहीं पता, तो मैं क्या करता हूँ कि जी पहले पता कर लेते हैं कि इनके बारे में है क्या। तो मैंने आपके पास ऑक्सीजन रखता हूँ मैं, जिसमें आप बता सकते हो, फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जनरली आपके पास एलिमेंट्री स्टेट में, जनरली अगर हम लोग इसकी बात करें जो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, इसको तीन टाइप से दिखाते हैं, एक तो आपके पास होगा नॉर्मल ऑक्साइड, ऐसा ऑक्सीजन जिसमें माइनस टू चार्ज हो नॉर्मल ऑक्साइड, एक होगा आपके पास परऑक्साइड, ऐसा ऑक्सीजन जिसपे पूरे पे माइनस टू चार्ज हो, एक होगा आपके पास सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड पे क्या होगा, इस ऑक्सीजन पे या तो पूरे पे माइनस हाफ यानी माइनस वन, या फिर पूरे पे माइनस हाफ, यहाँ मल्टीपल हो रहा होगा, यहाँ पूरे पे होल चार्ज, यानी इस पूरे ऑक्सीजन पे माइनस वन है,
इस पूरे ऑप्शन पे माइनस टू है, इसको इस तरह से दिखाएंगे, ओ टू नेगेटिव भयामन निहावन, इसको इस तरह से दिखाएंगे, राइट। ये सब हम जानते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का हमें पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, आठ, आठ का मतलब दो और छः, अब छः के छः गेन लूज तो करेगा नहीं, इसका मतलब ये दो गेन करेगा, गेन करेगा तो कितना लेगा, माइनस टू। ये तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि हम लोग पी ब्लॉक में पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, और पूरा ऑक्सीजन ओजोन आएगा आपके पास तो वहाँ इन्हीं का जिक्र होगा, तो क्यों ना अभी पढ़ लें, फिर दोबारा रिविजन हो जाएगा, फिर दोबारा रिविजन हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक ये चीज़ फीड हो जाएगी दिमाग में, हाँ हमें कहीं ऐसी चीज़ें हमने कहीं पढ़ी हुई है। तो ऐसा क्या पूछा गया इसमें से, तो जैसे आपको पता है H2O2 दिस इज परऑक्साइड, आपसे पूछा गया आपके पास Na2O2 दिस इज परऑक्साइड, ऑब्वियसली बात है। कई बार ऐसा होता है कि टीचर ऐसे कहता है O2F2 इसको भी परऑक्साइड में कंसिडर कर लेता है। तो एक बार क्वेश्चन आ गया था ये आपके पास, ये नीट जेई में आ चुका क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा था विच ऑफ द वन इज, जैसे Na2O2 दिया आपके पास, बी दे दिया ऑप्शन H2O2, सी दे दिया ऑप्शन आपके पास O2F2, और डी दे दिया आपके पास ऑप्शन क्या, BaO2, राइट। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके पास जेई मेंस में, आपके पास AIPMT में, और अगर पुराना पेपर उठा के देखोगे तो IIT के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है, अब इनकी शक्ल तो ऐसी लग रही है जैसे ये परऑक्साइड होगा, तो इन्होंने क्वेश्चन कैसे बनाया, विच ऑफ द वन इज नॉट परऑक्साइड, इनमें से एक ऐसा बताइए जो परऑक्साइड नहीं है। तो बच्चा देखेगा कि Na2O2 बताया था हमारे को, H2O2 हमें बताया था, भाई अच्छा बच्चा तो याद रखेगा ही कि दिस इज परऑक्साइड। तीसरा देखेगा सर O2F2, भाई ये भी आपके पास जनरली बोलते हैं, इसको कहेगा कि सर ये परऑक्साइड नहीं है, बट जनरली इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, बैरियम परऑक्साइड। ये इसको कंसिडर किया जाता है तो क्या किया जाएगा, बैरियम परऑक्साइड, ये याद रखने वाली बात है, ये चीज़ें पूछी जाती है। अब ये क्या है, तो ये ऑक्सीजन के तो ऐसे स्टेट दिखाने के लिए दिया गया है O2F2 और OF2, जहां ऑक्सीजन प्लस वन में और एक जगह किसमें स्टेबल है, प्लस टू में। ये दुनिया के दो लौते हैं जहां पर ऑक्सीजन किसमें आ रहा है, प्लस वन और प्लस टू में, इसके अलावा आपको कोई एग्जांपल नहीं मिलेगा। मैं इसका यूज़ भी करूँगा कि रॉकेट फ्यूल भी यूज़ होता है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि रॉकेट फ्यूल में ये यूज़ होता है, तो आप इसमें थोड़ा फोकस कर सकते हो, आप इसको याद रख सकते हो। और ये रेडॉक्स में ही बताया हुआ है, जब रेडॉक्स बताते हैं तो टीचर्स इसको बारे में बताते हैं। अब आपको रखना है कि हम कितना याद रख सकते हैं, कितना याद नहीं रख सकते, तो पहली बात आपके पास इसको याद रखना है, इनको याद रखना है, इनको याद रखना है, याद रह जाएगा, बोलिए। इसके बाद अगर आप आगे चलते हो तो ये बैरियम परऑक्साइड है, ना कि आपके पास बैरियम डाइऑक्साइड। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली इनसे बनते हैं, हम तो पढ़ते इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रहे हैं बट रिविजन कराना मेरा फर्ज है, इसी चीज़ को रिविजन बोलते हैं, ताकि अच्छा बच्चा जिसने पढ़ा हुआ है उसकी याद आ जाए, हाँ ऐसी चीज़ें हमने कहीं पढ़ी हुई, राइट। इसके बारे में पूछ सकता है आपसे, कोई पूछ ले भाई पैरा मैग्नेटिक है डाया मैग्नेटिक है, तो आपको पता है O2 2 नेगेटिव, तो O2 2 नेगेटिव क्या, आपको पता है कि दो इलेक्ट्रॉन अगर फिल हो गए तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास क्या होगा, डाया मैग्नेटिक इन नेचर, बस समझ में आ गई। अगर वे कहते परऑक्साइड तो आपको पता है पैरा मैग्नेटिक इन नेचर है, क्योंकि एक अनपेयर्ड होगा तो क्या कहलाएगा, पैरा मैग्नेटिक इन नेचर, दो होगा तो आपके पास क्या कह रहा है, फुल्ली फील्ड है तो डाया मैग्नेटिक इन नेचर, याद रह जाएगा, बोलो। अब बात आती है किसकी, सर और किसी का निकालना हो तो ये हमारे पास लास्ट में बनेगा कि भाई अगर सर कोई कॉम्प्लिकेटेड आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, फिर उसके बाद वापस हम अपने चैप्टर में आएंगे। तो ये आपके पास जनरली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराएगा, जैसे किसी ने पूछ लिया सर क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, ये बहुत आता है, आया हुआ क्वेश्चन है, AIPMT में आया हुआ है, JEE मेंस में आया हुआ है, IIT एडवांस में आया हुआ है, अब किस तरह से पूछते हैं किस तरह से नहीं, वो तो देखो टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है, हमारा मेन है कि भाई हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे। फिर हो सकता है कि आप लोग जब DNF ब्लॉक पढ़ोगे तो उसके बारे में पूछ लेगा आपसे, हो सकता है आपके पास P ब्लॉक पढ़ोगे तो उसमें आ सकता है। तो जनरली होता है कि भाई मैंने फिर आपको बताया, अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर नहीं पता, बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे निकालते हैं, माइनस टू इसको x करेंगे, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x कितना आ गया प्लस 10, अब प्लस 10 है, अरे नॉनसेंस है यार, प्लस 10 तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि हमने तो पढ़ा ऑक्टेट कंप्लीट होता है, बहुत सारे बच्चे हैं, ये आता है AIPMT क्वेश्चन था, ABCD रिएक्शन से रिलेटेड था, AIPMT मुझे याद है, AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब उन्होंने क्या पूछा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, यहाँ लिख दिया प्लस 10 माइनस 10 प्लस 6 प्लस 5, बहुत सारे बच्चे होते हैं प्लस 10 कर आते हैं, अरे ये तो नॉनसेंस है, हो ही नहीं सकता, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ऑक्टेट ड्यूप्लेट कंप्लीट करते हैं, कभी सुना है डेकेट कंप्लीट करते हैं,
हाइपरवेलेंट एलिमेंट में इनका नाम आता है, इनको कभी यूज़ किया ही नहीं जाता है। चलो नहीं पता सर, हमें नहीं पता इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हम नहीं जानते इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो आपको पता हो चाहे ना पता हो, हम इसको बना के चलते हैं कि सर इसे ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर देता है। जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच है, -1, -1, -1, इस पर कितना चार्ज, -2, x -6 = 0, x कितना आ गया, +6। सर हमें नहीं आता स्ट्रक्चर। अरे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो पता है, एटॉमिक नंबर पता है तो मैजिक नंबर निकाल दोगे। आउटर मसल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 6, तो ऑब्वियस सी बात है 10 कहाँ से लूज कर देगा, आंसर क्या होगा, 6। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जनरली, इसी से पता लगता है कितने लॉस कितने गेन किए। अब किसी बच्चे ने देखा कि भाई आपके पास कोई सा क्वेश्चन उठा के दे दिया, हमें क्या पता कितने लॉस कितने गेन किए, तो वहाँ आइडिया तो होना चाहिए एटलीस्ट। तो इस हिसाब से आपके पास पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से इन्होंने उठा रखा है, किस तरह से बता रखा है। वैसे हालांकि इसको बोलते हैं पैराडॉक्स मेथड, जो स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं। तो कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर इस चैप्टर को आपके पास यहीं पर रोकेंगे इसको। कि मान लीजिए मैंने आपको दे दिया Na2S4O6, ये आपके पास आया हुआ है IIT एडवांस के अंदर, ठीक है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, JEE में भी आ चुका है, AIPMT में भी आ चुका है, और अपने CBSE में भी पूछते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि कहीं सोचो मैं IIT की बात कर रहा हूँ, CBSE में भी ये चीज़ आती है, कंसेप्ट होता है जनरल। अगर इसको करते हो तो इसको x, इसको -2, इसको +1, तो +2 यानी आपके पास 2 + 4x - 12 = 0, तो x कितना आएगा, 2.5। तो जो क्वेश्चन पूछते हैं वो कहते हैं सर आपने यहाँ चार सल्फर दिखा रखे हैं, चारों के चारों के बारे में बताओ। तो हम क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, Na, O, S, O, O, सल्फर, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ बना दियो। इस पे चार्ज कितना है, टर्मिनल पे है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, आउटर मसल में इलेक्ट्रॉन 1, तो 1 ही लूज करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये काम आने वाली चीज़ है, फिर पूछी जाएगी। आप CBSE में चाहे लिया हो 95 नंबर, जब आप अगर ड्रॉप करने की भी शक्ल में होंगे तो एक सब्जेक्ट तो ऐसा होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग कैसे होगा, इसको एक्स करो, x - x + 1 = 0, तो x कितना हो गया, -1, जिस पे डबल बॉन्ड है उस पे कितना चार्ज होता है, -2, -2, -2, -1, कितना हो गया, +5। जनरली सल्फर जब देखते हैं तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 2, 8, 6, तो आउटर मसल में कितने, 6, यानी 6 के 6 लूज करता है तो +6, और 2 गेन करता है तो -2। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये आते हैं। आप कह भी सकते हो कि सर इसका 0 भी होता है, +2 भी होता है, +4 भी होता है, क्या हमने देखा +5 होता है, वो स्ट्रक्चर बताएगा कि +5 होता है या नहीं होता। आप यहाँ आओ, इसको करो सिमिलर, +1, -1, -2, -2, इसका कितना हो गया, +5, तो ये कितना होगा, 0, 0। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। अब इनमें आप कितना फोकस करते हो, कितना ध्यान रखते हो, कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होंगे। अब किसी बच्चे को यही नहीं पता कि ये ब्रेक होके क्या बना रहा है, चलो मैंने लिख भी दिया, उसको यही नहीं पता इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, वेरिएबल चेंज भी हो रहे हैं तो कितने हो रहे हैं, भाई 0 से +4 पे जा रहे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हुआ होगा, अगर आपके पास 0 से 5 पे जा रहे हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन तो हुआ होगा, तो उसको कंसिडर करना जरूरी है। इसी को हम लोग आगे चल के क्या नाम देंगे, एन का नाम देंगे, जो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा। इसके अलावा अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ तो आपको एक क्वेश्चन दे सकते हैं छोटा सा, जिसमें आप याद रख सकते हो कि सर इसका कितना होगा। छोटा सा एक देते हैं कि मेरे पास है C3O4 कार्बन सब ऑक्साइड, इसको बोलते हैं ट्राई कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन सब ऑक्साइड, ऐसे निकालोगे तो x - 2, 3x - 8 = 0, x कितना आ गया, 8 / 3 प्लस में आ गया। इसको अगर मैं हटाऊं तो कैसे करें सर, इंडिविजुअल कार्बन का बताओ, तो ये इंडिविजुअल कार्बन का हो गया ये, इस पे चार्ज -2, इस पे कितना आएगा +2, इस पे -2, इस पे कितना आएगा +2, तो इस पे कितना आ गया 0, राइट, क्लियर है। अगर आपके पास C3O2, क्लियर है, तो इस बात को आप फोकस कर सकते हो, राइट। अगर मेरे पास क्या है, मैं इस चीज को यहां डिफाइन करूं सर, मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, Na2S2O3, सर इसमें दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। अब क्या है, चलो मैं आपके लिए स्ट्रक्चर बना देता हूँ, आसान कर देता हूँ थोड़ा सा,
NaOS डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन ये, और यहाँ कोऑर्डिनेट के थ्रू सल्फर। अब आपको करना है क्या, चलो मैं आपको दो तीन मिनट का टाइम देता हूँ, इस सल्फर और इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। क्या बता सकते हैं, टाइम है आपके पास, आराम से देख के बता सकते हो, सोच सकते हो इसके बारे में। जर्नली निकालोगे तो आपको पता है इसको एक्स करना है, इसको माइनस टू, इसको प्लस वन, तो टू प्लस टू एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो फाइंड आउट हो जाएगा। अगर मेरे को यहाँ से फाइंड आउट करना है तो सोचना पड़ेगा, और यही बताएगा आगे कि n किस तरह से चेंज हो रहा है। तो जो क्वेश्चन अगर मैं बात करता हूँ सीबीएसई की, तो वो दिख जाएंगे आपको, इजिली दिखेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, इतने गेन हुए। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया H2SO4 है, या आपके पास कह दिया H2O है, डिसोसिएट करो, तो आपको पता है कि H पॉजिटिव और क्या मिलेगा, OH नेगेटिव। या हमने कह दिया आपके पास सर NaCl है, डिसोसिएट करो, इलेक्ट्रोलाइसिस करें, तो क्या मिलेगा, ये अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो यहाँ से आप देखें, इस पे जीरो चार्ज, इस पे जीरो, इस पे प्लस वन, इस पे माइनस वन, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, वन, कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास गेन किए, सॉरी इधर आपके पास क्या है, गेन कर रहे हैं, इधर लॉस कर रहे हैं, तो ये रिडक्शन और ये ऑक्सीडेशन। तो अगर बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रिकली बैलेंस, तो इसमें एन कितनी वैल्यू आएगी, दो, तो पूछेगा ना एन कितना, यानी कैथोड पे आपके पास पता है, एनोड भी है। अब इन चीज़ों को अगर डिफाइन कर रहे हैं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि सर आप जिसकी बात कर रहे हो इस पर कितना चार्ज। चलो मैं पूछता हूँ आपसे भाई, इस पर कितना होगा प्लस वन, इस पर कितना माइनस वन, इस पर कितना माइनस टू, माइनस वन, प्लस वन, सबको क्लियर, कोई दिक्कत, क्योंकि ये बात हम पहले से पढ़ के आ चुके हैं। अब इस पर बताना है कितना चार्ज है, बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने बहुत जगह पूछा है, बहुत सारे बच्चे हैं, इस पर कहते हैं कि सर इस पर ना प्लस फोर आएगा, कोई कहता है इस पर प्लस सिक्स आएगा, कोई कहता है इस पर सर प्लस टू दे दो, अरे ऐसे कैसे दे दे भाई। आप ये देखो, आप ढंग से देखना, इस पर बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं इस पर प्लस फोर हो जाएगा, इस पर प्लस टू दे देंगे, प्लस सिक्स दे देंगे। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या है, हम लोग एक यूनिट पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जहाँ पर पूरा इसी बॉन्ड के ऊपर है सब कुछ। तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया भाई, मैं एक एलिमेंट हूँ, मैंने अपनी स्वेच्छा से आपको अपने दो इलेक्ट्रॉन दिए, दो इलेक्ट्रॉन मैं आपको दे रहा हूँ, बट शेयर हम दोनों करेंगे, दैट इज कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्लियर है। अब मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, छः, एक मैंने इसको दिया, दो इसको दिया और एक इसको दिया, बचे कितने, दो बच गए, दो मैंने किसको दे दिए, इसको, और इसने लिया होगा तो कितना चार्ज होगा, माइनस टू, माइनस टू, माइनस टू, माइनस वन, माइनस वन, कितना हो गया, प्लस सिक्स, बताओ कोई दिक्कत, कर सकते हो इजली। अब ये चीज़ें मेरी काम आनी है किसमें, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब छोटा सा पार्ट है, एनसीईआरटी लिख देती है क्या, ऑलरेडी डिस्कस इन प्लस वन क्लास, कि भाई इलेवेंथ में आपने पढ़ा होगा। अब उसने तो कह दिया, कहते हैं ना एनसीईआरटी इतनी सी है सर, एनसीईआरटी में तो सब कुछ दे रखा है, तो एनसीईआरटी ने कह दिया, अब टीचर क्या कहेगा, इतना तो आता ही होगा। अब बेचारे ने कह तो दिया, अब वो कर रहा है रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। मान लीजिए मैंने ही कह दिया आपके पास कोई रिएक्शन ले ली अच्छी सी, और मैंने कह दिया बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कितने लॉस हुए, कैथोड पे कितना हुआ, एनोड पे कितना हुआ। अब वो बच्चा तो सोचेगा सर यहाँ एन कितना है, जनरली तो आप दिखा दोगे भाई जिंक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिंक टू पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो यहाँ तो दिखता है कि एन की वैल्यू कितनी हो रही है, दो हो रही है। अगर मैंने कह दिया आपके पास कॉपर है, या मैंने कह दिया आपके पास कॉपर है दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो आप कहोगे आपके पास क्या हो रहा है, एन कितने आ रहे हैं, दो आ रहे हैं। अगर इस रिएक्शन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर हमारा डब्बा गोल होगा, हम कह देंगे सर हमें तो आया ही। अब टीचर शुरू से स्टार्ट हो जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कि इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होगा और इलेक्ट्रोकेमिकल क्या होगा, बता दिया केमिकल एनर्जी चेंज टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज टू केमिकल, किसके थ्रू, बोला जी रेडॉक्स के थ्रू। रेडॉक्स क्या होती है, बोला जी जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाए, चलो वो तो मान लिया, देखना आता है, बोला जी ये तो कभी देखा नहीं, देखा नहीं तो भाई देखो, करो रिवाइज करो, तब जाके हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एंटर करते हैं।